ठंड में कपड़े सुखाना सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि धूप तो होती ही नहीं है और साथ ही साथ मौसम कभी इतना ख़राब हो जाता है कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। और ठंड में बहुत सारे कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं क्योंकि खुद को बचाना है, लेकिन कपड़े जब सूखेंगे नहीं तो पहनेंगे क्या। तो चलिए आज इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के ना लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। और आप मेरे कपड़े देख रहे हैं ना, घर में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं और हम सब फैमिली मेम्बर, तो पूरी छत पर तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं लेकिन कहीं भी धूप नहीं है। तो ये जो कपड़े जिनका पानी निकल चुका है क्योंकि ड्रायर कर दिया था और इनमें थोड़ा बहुत हवा लगी, धूप नहीं लगी है, लेकिन इन सारे कपड़ों को मैं सुखाऊंगी एक सिंपल ट्रिक से। जी हाँ, आपको कोई नया ऑर्गेनाइजर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बनाने की और ना ही कोई नई रस्सी बांधने की। बहुत ही सिंपल ट्रिक से इन सारे कपड़ों को सुखाएंगे, वो भी घर के अंदर, और आपके कोई भी कपड़े दिखेंगे भी नहीं। तो जिन कपड़ों का पानी अच्छे से ड्रायर हो चुका था उनको मैं यहाँ पे ले आई हूँ और अब इनको सुखाऊंगी इस बेड पे। जी हाँ, सिर्फ एक बेड पे सारे कपड़े सूख जाएंगे और इनको बस आपको इस तरीके से ओपन करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए, जैसे कि ट्राउज़र है और बीच में जितनी जगह बची वहाँ पे छोटे कपड़े आप रख सकते हैं, और छोटे बड़े हर तरीके के कपड़े आप यहाँ पे रखिए, जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ पे पूरे अच्छे से कपड़ों को सेट कर दीजिए। जो कपड़े पतले हैं उनको आप ओवरलैप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सब सूख जाएंगे और एक ही तरीके से सारे कपड़े, कहीं ऐसा नहीं होगा कि कुछ कपड़े सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं, आप सबको ऐसे ही बिछाइए। देखिए, सारे कपड़े मैंने पूरे बेड पे बिछा लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर दिया है, जो मोटे हैं उनको ऊपर रखा है और छोटे बड़े हर तरीके के कपड़े इसमें आ गए हैं, लोअर टी शर्ट इनर वगैरह सब कुछ आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि कितने सारे कपड़े निकलते हैं छोटे बच्चों के, और ठंड में जितना हम उनको बचाते हैं ठंड से उतने ही ज़्यादा कपड़े निकलते भी हैं। तो इस तरीके से ना आपके पास जितने भी कपड़े हों सबको फोल्ड करके इस तरीके से रख लीजिए, अगर ओवरलैप हो जाए तो भी कोई बात नहीं, उनको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो सारे कपड़ों को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब चाहिए आप सारे कपड़े हो चुके हैं और ये है वो खास चीज। जी हाँ, ये है छोटा सा पतला सा ब्लैंकेट और ये पूरा बेड का ही है, डबल बेड का है। अब आप सोचेंगे कि ब्लैंकेट का क्या काम। जी हाँ, आपके पास अगर कोई ब्लैंकेट हो या फिर कोई शॉल हो तो आप उस शॉल और ब्लैंकेट से ही सारे कपड़े सुखा सकते हैं, लेकिन सुखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मैं सबसे पहले, देखिए, कपड़ों को सेट करने के बाद इसके ऊपर मैं ब्लैंकेट को डाल रही हूँ। जी हाँ, आपको सिर्फ ब्लैंकेट को इसके ऊपर कवर करना है और कुछ नहीं करना, कहीं दबाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे हम ऊपर से डालते हैं ना, सिंपल इसको ऐसे ही इस तरीके से सेट कर लेंगे, सारे कपड़ों को इससे कवर कर देंगे। तो सारे कपड़ों को मैंने इस ब्लैंकेट से कवर कर दिया है, कहीं दिख भी नहीं रहा कि इसके अंदर क्या है, सिर्फ आपको पता है कि इसके अंदर कपड़े हैं, तो देखने में बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता क्योंकि इसके ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से सेट हुआ है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक खास चीज़। जी हाँ, यहाँ पर आप ब्लोअर या रूम हीटर कुछ भी हो आप जो यूज़ करते हो इस विंटर में, उसको आपको रखना है। तो कपड़ों के ऊपर नहीं रख रही हूँ मैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने ऐसे रखा है, आप इसको जहाँ पर भी रखते हो वहाँ पर इसको रख दीजिए और ब्लोअर को या हीटर को ऑन कर दीजिए। आपको सिर्फ आधे घंटे लगेंगे, जी हाँ सिर्फ आधे घंटे लगेंगे, आपके सारे कपड़े बहुत ही गर्म और बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। जी हाँ, आपको सारे कपड़े एक जैसे पूरे गर्म मिलेंगे क्योंकि आपने इसके ऊपर ब्लैंकेट बिछाया है। ब्लैंकेट बिछाने से फ़ायदा ये रहा है कि आपके कपड़े डायरेक्ट हीट में नहीं आएंगे, पहले ब्लैंकेट गर्म होगा, उसके बाद उस ब्लैंकेट से सारे कपड़े एक साथ गर्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैंकेट बहुत जल्दी हीट ले लेता है और उससे एक बराबर में आपके सारे कपड़े गर्म हो जाएंगे और जल्दी से सूख जाएंगे। अगर आप ब्लैंकेट नहीं डालेंगे तो कहीं कपड़े सूखेंगे कहीं कपड़े नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर आपने ये तरीका अपनाया ना, यकीन माने आपके सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे।
तो आपको सिर्फ आधे घंटे देने हैं, क्योंकि इस विंटर में देखिए ब्लोअर हीटर तो हर यूज़ करता ही करता है, तो आप नॉर्मल जैसे भी ब्लोअर या हीटर यूज़ करते हैं उसको वैसे ही यूज़ करिए। बस अपने कपड़ों को आपको बेड पे रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से ब्लैंकेट डाल दीजिए, तो कहीं दिखेगा भी नहीं, कपड़े इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं और देखने में भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा और आपके सारे कपड़े कुछ ही टाइम में सूख जाएंगे। तो आइडिया थोड़ा यूनिक है, लेकिन ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि मैंने ट्राई करा और मुझे बहुत पसंद आया है, और क्योंकि इसे समय तो बहुत बचता ही बचता है और साथ ही साथ जो कपड़े बिखरे रहते हैं ना वो नहीं होते हैं। तो बस ये स्मार्ट सा तरीका ज़रूर अपनाइएगा। तो सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं, अब मैं ब्लैंकेट को भी हटा लेती हूँ और देखिए कपड़े तो हमारे रेडी हैं, हम इनको फोल्ड करके आपको जहाँ रखने हैं वहाँ रख लीजिए। वैसे मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी बनाए हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आपको जहाँ रखने हैं वहाँ रखिए, कपड़े एकदम रेडी हैं यूज़ करने के लिए, पहनने के लिए। तो है ना कमाल का आइडिया, आपको कोई ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ना ही कोई नई रस्सी बांधने की, ना घर में अंदर कपड़े सुखाने की। आपने एक पलंग में ही सारे कपड़े सुखा दिए, जो दिखेंगे भी नहीं और ना ही बिखरेंगे। तो इस ठंड में कपड़ों को अंदर बाहर करने का झंझट खत्म। आप अपने सारे कपड़ों को एक ही जगह पर सुखाइए, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये स्मार्ट सा आइडिया? आई होप इस विंटर में, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में तो बहुत ठंड पड़ी रही है और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, और कपड़े तो पहनने ही हैं और सुखाने भी हैं, और अगर नहीं सूखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अब इन कपड़ों में ना तो कोई स्मेल आने वाली है और ना ही इनमें कुछ भी दिक्कत होने वाली है, आराम से कपड़े पहनिए। तो कैसा लगा आपको आज का ये स्मार्ट सा आइडिया, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे आइडिया के साथ। वैसे इन सारे कपड़ों को आप ऑर्गेनाइज़र में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, आप उनमें सारे कपड़े आराम से आ जाएंगे। अगर आपके पास ओपन शेल्फ है तो आप ओपन शेल्फ में रखिए, या फिर अगर आपके पास कपड़े रखने की जगह कम पड़ जाती है तो भी मेरे बहुत सारे आइडिया हैं चैनल पर, आप उनको उनमें से किसी को भी देखिए और उसको यूज़ करिए। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपकी इसे ज़रूर हेल्प हुई होगी, और अगर थोड़ी भी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।